अप्रैल मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड लिप स्क्रब। अगर ये लिप स्क्रब को बनाना बहुत ही इजी है, इसमें मैंने सिर्फ 3 नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज किए हैं जो हमारे घर में अवेलेबल होते ही हैं। और गाइस आजकल मौसम की वजह से सबसे ज्यादा असर हमारे लिप्स पर पड़ता है, हमारे लिप्स फटने लगते हैं, कटने लगते हैं, और साथ ही साथ हमारे लिप्स का जो कलर है वो काला होने लगता है। इसलिए गाइस आज मैं आपके साथ ये होममेड लिप स्क्रब शेयर कर रही हूँ ताकि आप इसको घर में बनाकर यूज करें। और गाइस मार्केट में बहुत सारे लिप स्क्रब अवेलेबल हैं बट उनको चुनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और हमारे लिप्स को उनसे हार्म भी हो सकता है क्योंकि उनमें केमिकल होता है। इसलिए आज मैं आपके साथ ये होममेड नेचुरल लिप स्क्रब शेयर कर रही हूँ ताकि आप इसको बनाएं और यूज करें और कुछ ही दिनों में आपके लिप्स जो है गुलाबी हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके लिप्स मुलायम भी हो जाएंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस इस लिप स्क्रब को कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक क्लीन बोल लेंगे और उसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे यानी चीनी। और गाइस चीनी एक प्राकृतिक एक्सफोलिएटर है जो हमारी लिप्स की त्वचा को नरम और मुलायम बनाने में हेल्प करता है और साथ ही साथ ये हमारे होठों की त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाकर नई स्किन को बनाने में भी हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। ये भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे होठों के लिए। उसके बाद लास्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून हनी यानी शहद। और गाइस शहद हमारे होठों की रंगत को निखारता है और हमारे जो होठ फटने लगते हैं उसको भी ठीक करता है और उनको नरम और मुलायम बनाने में भी हेल्प करता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गाइस हम इसे तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक कि तीनों इंग्रेडिएंट अच्छे से इसमें मिक्स ना हो जाए और अच्छा स्क्रबर तैयार ना हो जाए हमारे होठों के लिए। ये देखिए इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। सो गाइस अब हमारा लिप स्क्रब एकदम रेडी है। अब इसे कैसे यूज करना है मैं आपको बताती हूँ। इसको यूज करने से पहले सबसे पहले आपको अपने लिप्स पर जो लिपस्टिक वगैरह लगी वो सब हटा देना है और इसके बाद इसे फिंगर की हेल्प से अपने लिप्स की 5 मिनट तक स्क्रबिंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से आपको अच्छे से स्क्रबिंग कर लेनी है। इसमें हमने तीनों इंग्रेडिएंट जो मिक्स किया है वो बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिप्स को पिंकिश बनाने के लिए, उनको मुलायम बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और चीनी तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा नेचुरल एक्सफोलिएटर है हमारे लिप्स को स्क्रबिंग करने के लिए। 5 मिनट तक स्क्रब करने के बाद आपको अपने लिप्स अच्छे से टिश्यू पेपर से या फिर पानी से वॉश कर लेने हैं। तो गाइस ये है हमारा लिप स्क्रब होममेड। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। बाहर के केमिकल वाले यूज करने से बेटर है कि आप घर में इसको बनाएं और यूज कीजिए। ये एकदम नेचुरल है। और गाइस आप इसको फ्रिज में 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं। सो गाइस अगर आपको इस लिप स्क्रब के बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इसे डेली यूज कीजिए। कुछ ही दिनों में आपके लिप्स का नेचुरल कलर वापस आ जाएगा और वो मुलायम और पिंकिश हो जाएंगे। तो गाइस अगर आपको मेरे लिप स्क्रब पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।